इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मंदिरों की नगरी और भारत के प्रसिद्ध तीर्थ केंद्रों में से एक है बनारस, जहां विश्व प्रसिद्ध बनारसी कपड़ों की आज भी बुनाई होती है। वहीं कोयंबटूर भी किसी समय सूती कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। पटोला के लिए विश्व प्रसिद्ध पाटन में एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें इस शानदार धरोहर को दर्शाया गया है। बेहतरीन मलमल के लिए मशहूर बंगाल में इस पारंपरिक कला को नए सिरे से जीवित किया जा रहा है। इसका श्रेय जाता है हमारे बुनकरों और नई पीढ़ी को, जिनके पास इस हुनर को जिंदा रखने के लिए नई योजनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोयंबटूर से। कोयंबटूर शहर में सूती कपड़े बनाने की 25,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। सूती कपड़ा बनाने का इसका इतिहास 2000 साल पुराना है। कोयंबटूर के सूती कपड़ों की वजह से सदियों पहले भी भारत का विश्व में नाम था। समय के साथ महंगे सिल्क कपड़े ने सूती की जगह ले ली, लेकिन इसे व्यापार में कोई खास रुकावट नहीं आई है। स्कॉटलैंड से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले धनराज वेंकटचलम आज अपने पिता और दादा के पुश्तैनी पेशों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी बनाई हुई साड़ियां आज सारे देश में सबसे ज्यादा सप्लाई होती हैं। माय फादर माय अंकल दे स्टार्टेड ट्रेनिंग मी लाइक दे वांटेड मी टू प्ले इनसाइड द ऑफिस दे वांटेड मी टू प्ले विद द सारीज दे वांटेड मी टू फोल्ड सारीज फोल्ड बॉक्सेस टू पैक द सारीज एंड दे वांटेड मी टू बी अराउंड हियर एंड लर्न फ्रॉम व्हाट दे डू इंस्टेड ऑफ लर्निंग व्हेन आई ग्रो अप आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप विद देम सो इट वाज लाइक वेरी इजी फॉर मी टू कम इनटू द बिजनेस। धनराज के परिवार की युवा महिलाएं भी अब इस काम में जुट गई हैं। इनमें धनराज की चचेरी बहन कस्तूरी भी शामिल है, जिसने MBA किया है। I've been interested to trade sarees and get to know different kind of sarees. Our great grandfathers were weaving sarees and my father, then my great grandfather, he weaved sarees and after a few days he started to trade sarees. And he had the capacity to bring lot of people under him who can weave. And then he got on to the next step to trade. And my dad is doing even better. He has brought the first my great grandfather he had 100 looms something, and now my father has around 400 looms. So it is growing, and now I am interested in the business sector. एक तरफ जहां पूरे देश में कई नौजवान पारंपरिक काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं, वहीं उत्तर गुजरात में एक नई पीढ़ी वापस अपने पारंपरिक पेशे की तरफ लौट रही है। जैमीन सुथाड़ इसका एक उदाहरण है, जिनका परिवार कई पीढ़ियों से संखेड़ा फर्नीचर बनाता रहा है। MBA करने के बाद मैंने अपने फादर का संखेड़ा फर्नीचर का बिजनेस ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में मार्केटिंग किया, और ये जो बिज़नेस है वो मेरे फादर ने ही मुझे डेवलपमेंट सिखाया कि इसको बिज़नेस को कैसे एक्सपांड करना है। धीरे धीरे हमने एक थोड़ा आइडिया सोचा कि और थोड़ा नए कलर्स नए पैटर्न्स उसको और नई डिज़ाइंस हम बाहर निकालें, जिससे हमारा संखेड़ा फर्नीचर का पूरा जो जितने भी पीपल्स लोग हैं हमारे वर्कर्स है वो भी बिज़नेस को भी आगे बढ़ाए और हम भी आगे कुछ बढ़े और कस्टमर की डिमांड भी बढ़ाए कि हमारे पास और भी ऑप्शन है ऑप्शन भी ले सकते हैं कस्टमर। तो धीरे धीरे करके हमने 15 से 20 ऐसे अलग अलग वैराइटीज़ है कलर्स की वो हमने शुरू किया। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे करके कस्टमर के हिसाब से हमने फुलफिल किया कलर्स को। मेरा यही सपना है हर एक घर में छोटे से छोटे घर में मेरा एक संखेड़ा का प्रोडक्ट मैं बेचना चाहूंगा। जैमीन नए बाजार में पांव जमाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पाटन के राहुल सालवे का कहना है कि पटोला बनाने के अपने पारिवारिक पेशे में वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन जैसे युवा अगर इसकी अनदेखी कर देंगे तो ये कला लुप्त हो जाएगी। There was no choice to be an architect for my career. It was just incidence, and I chose architecture and became an architect. But after that, when I joined family, I came to know that no one is
in new generation is there to continue this craft. My two other brothers are the doctors, so they were not joining this. So I was indirectly, you can say, bound to join this craft and continue this craft. So I joined very next day of my graduation, and it's been 17 years I'm working with this craft, and right now I'm a master weaver of this particular craft. राहुल ने अपना कारोबार बढ़ाने के अलावा एक खूबसूरत म्यूजियम भी बनवाया है, जहां टूरिस्ट को पाटन पटोला की शानदार विरासत से रूबरू करवाया जाता है। उनका ये म्यूजियम शहर के मशहूर लैंडमार्क रण की वाव के रास्ते में आता है, जहां अच्छी संख्या में पर्यटक आते हैं। जाहिर है इस वजह से उनका काम भी अच्छा चलता है। पाटन किसी समय में गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर देदादरा में राठौर बलदेव भाई मोहन भाई ने 700 साल पुरानी टंगलिया बुनाई की कला को जिंदा रखा हुआ है। हालांकि इसमें उन्होंने कुछ बदलाव जरूर किए हैं। पारंपरिक रूप से टंगलिया बुनाई में ऊन का इस्तेमाल होता है, लेकिन बलदेव पहले बुनकर हैं जिन्होंने ऊन की जगह कॉटन का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि कॉटन के इस्तेमाल से खरीदारों में बढ़ोतरी हुई है। हमारी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी ऊंची आई है कॉटन में आने के बाद। क्यों कि कॉटन में आने के बाद जो ये कॉटन का कपड़ा जो हम बनाते हैं, ये सारे लोग पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं। इसमें जो कुर्ती है तो बहुत चलती है, दुपट्टा और लोग सब पहनते हैं। और जो वूल में बनाते थे ना, वो तो सिर्फ पहले भरवाड़ के लोग ही पहनते थे, वो सीमित लोग ही पहनते थे। अब सारी जगह पर सब लोग पहनते हैं। इसमें पहले कॉटन में आने से पहले तो मैं बाहर कॉलेज में निकला, सारी पाँच छः कॉलेज में तो मैं लेक्चर भी देकर आया हूँ ये टांगलिया के बारे में। राहुल, बलदेव, जैमिन और धनराज ने जहाँ अपने परंपरागत पेशे को बढ़ाने में अपनी पढ़ाई लिखाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, वहीं राजीव देवनाथ जैसे लोगों ने बुनाई की उस कला को जिंदा रखने में अहम योगदान किया है, जो लगभग लुप्त होने की कगार पर थी। राजीव के पिता ज्योतिष देवनाथ उन पहले बुनकरों में से थे जिन्होंने मलमल पर जामदानी कसीदाकारी की कला को फिर जिंदा किया था। आज राजीव अपने पिता के काम को दूसरे स्तर पर ले गए हैं। उनका बनाया मलमल आज बड़े बड़े भारतीय डिजाइनर लेते हैं, और यहाँ तक कि वो इसे गुची जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को भी सप्लाई करते हैं। ये हिस्ट्री को कैरी करना मेरा बचपन से सोच था कि ये हिस्ट्री को और थोड़ा आगे ले जाऊं और पूरा वर्ल्ड में इसको फेमस बनाऊं ऐसा। राजीव ने न सिर्फ महंगे जामदानी की बढ़ती मांग का फायदा उठाया, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा किए। तो हम लोग पहले इंश्योरेंस स्टार्ट किया। इंश्योरेंस मतलब एवरी ईयर हर एक वीवर जो हमारे साथ काम करेगा, एवरी ईयर हम लोग से वीवर का इंश्योरेंस पे करेंगे, और इंश्योरेंस का पैसा हम हमारे प्रॉफिट से देंगे। अगर मेरा वीवर को आज 2019 में कोई पूछेगा उनका लड़का लड़की क्या बनना चाहते हैं, तो उसका जवाब आपको खुद सामने मिल जाएगा कि हम लोग वीविंग के साथ सब कुछ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन वीवर को वीविंग को साथ में लेकर। ये जब हम लोग स्टार्टिंग किया था तब 15-20 ऐसा वीवर्स धीरे धीरे हुआ था, अभी प्रेजेंट में 180 वीवर्स है। राजीव आज एक कामयाब कारोबारी हैं, क्योंकि वो साहसी हैं और उनमें अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की चाह है। बनारस के हेमंग अग्रवाल बदलाव का एक नया चेहरा है। निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने वाले हेमंग ने कपड़ों की थोक बिक्री के व्यापार को नया मोड़ दिया है। हेमंग और उनके छोटे भाई अपने कारोबार को नए रंग दे रहे हैं। हेमंग जहां बनारसी सिल्क को एक नया रूप देकर इसे कैटवॉक की दुनिया में ले जा रहे हैं, वहीं उनके भाई ये ब्रांड ऑनलाइन बेच रहे हैं। When I came back after my education, I trickled down here. You know, I went around like a tourist. I saw everything. I worked on the looms. I sat on the loom for about 1.5 years to learn actual weaving. It's a fascinating thing. It's like meditation. So we have been doing textiles for about 13-14 years. We do what you normally understand Banaras to be in. We do our whole ornate brocades. We do the Banarasi, the vibrant Rani Pinks and Fuchsias and Magentas and Saris and all. But we also do things which you would not normally associate Banaras with.
which is basically new age textiles, which is, see, handloom, end of the day, it's about technology, you know, and Banaras has always been at the forefront of this handloom technology always. But unfortunately, the design vocabulary took, we normally know Banaras more as a design vocabulary center than, so to say, a weaving technology center. So the label, my eponymous label, which we show at the fashion weeks and we sell through the multi-designer stores, that basically talks about what Banaras can also be. हेमंग आज एक सफल कारोबारी हैं। उनका कहना है कि अभी कई ऐसे मसले हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए वह बुनकर जिन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं और जो आज भी पुराने कर्धों पर ही काम करते हैं। इसीलिए शायद ये आश्चर्य की बात नहीं है कि देश में आज ज्यादातर युवा अपना पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। क्वांटिटेटिवली अबाउट 80% of what Banaras produces is power looms. You know, and people say that this handloom has come down from 100 to 20 and the people are very sad about it. I am not. I think so. Handloom, the number of handlooms is still right now. If it goes down, I don't mind, as long as whatever is coming out of handloom is artisanal. Handlooms can't compete with power looms, and both can very well coexist. Having said that, there is so much which power looms can't make. You know, there is enough. Handloom has always been has been ahead of the curve in terms of design, in terms of technology, and that's what handloom has to be always. हथकरघे को बचाने के लिए नीतियां तो बनी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में करधे तेजी से बंद हो रहे हैं। किसी समय कांचीपुरम में महीन सूत बना करता था, लेकिन आज ये गायब हो चुका है। पाटन में पाटन पटोला बनाने वाले सिर्फ दो परिवार ही रह गए हैं। कालना में दिन भर काम करने के बावजूद कारीगरों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन तमाम मायूसी के बावजूद उम्मीद की किरण दिखाई देती है, और वो है युवा पीढ़ी, जो अपनी पढ़ाई लिखाई से इस पारंपरिक धरोहर को आगे ले जाने में दिलचस्पी ले रही है।